आज हम आपके लिए लेके आए हैं बची हुई रोटियों की बिल्कुल शाही रेसिपी, जो कि मार्केट में लेने जाएंगे ना तो बहुत ही महंगी मिलेगी। तो जब आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि हम रोटी से इतनी बढ़िया रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो हमने रोटी ले लिया है, देखिए जो कि ताज़ी रोटी है। अगर आपके घर में बची हुई रोटी है रात की तो आप उसका भी बना सकते हैं। तो हमने गैस पर रख दिया है कढ़ाई और उसमें डालेंगे हम 1 गिलास दूध। तो दूध आप किसी तरीके से भी ले सकते हैं, पका हुआ या कच्चा, जैसे आपके पास हो। तो इसमें हम डालेंगे दूध, दूध में रोटी डालेंगे। आप सोच रहे होंगे कि दूध में रोटी हमने क्यों डाला, तो आप देखते रहिए आगे, आपको पता चल जाएगा कि हमने क्यों डाला है। तो देखिए हमने रोटियों को दूध में अच्छे से डाल दिया है और दूध भी गर्म था, तो 2 मिनट के लिए हम इसी तरीके से डाले रहेंगे। दूध में डालने से क्या होता है, रोटी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए हम इसको दूध में डालेंगे। अब देखिए हम इसको निकाल लेते हैं, 2 मिनट हो गया है, बस इसको पकाना नहीं है, हमें सॉफ्ट करना था रोटियों को। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में। तो इसी दूध को हम 2 मिनट के लिए और अच्छे से उबालेंगे, जब तक थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए दूध। गाढ़ा हो जाएगा ना तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, इसलिए आप भी थोड़ी देर पका लें दूध को। तो देखिए दूध पक गया है, गाढ़ा भी हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच में लिया है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से क्या होता है, बिल्कुल मावा जैसा इसका फ्लेवर आएगा। तो मिल्क पाउडर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच ज़रूर डालें। अगर नहीं भी डालेंगे तब भी बहुत ही अच्छा आएगा, है तो डाल दीजिए। तो देखिए आप गैस को करेंगे बंद और दूध को रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो दूध एकदम गाढ़ा हो गया है, अब इसको ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। तो हमने लिया है 1 बर्तन, इसमें डालेंगे 1 कटोरी हम चीनी, और इसी कटोरी से मापेंगे तो हम 2 कटोरी पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि पतला हो जाएगा, हमें चाशनी बनाना है इसका, तो हमने 2 कटोरी पानी डाल दिया है। अब इसको हम उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल हमको तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, जैसे आप गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा हम फूड कलर डाल देंगे, अगर आपकी इच्छा है तो डालिए, नहीं तो मत डालिए, डालने से थोड़ा कलर अच्छा आ जाएगा, इसलिए मैंने डाल दिया है थोड़ा सा। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो इसको हम पका लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। अगर आप इसको हाथ से छू के देखेंगे ना तो हल्का सा चिपचिपापन दिखेगा आपको, तो बस समझ जाइए चाशनी हमारी बनके तैयार हो गई है। देखिए हो गया है चाशनी, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए। तो चलिए जो रोटियों को हमने दूध में पका लिया था, अब देखते हैं उसको हम क्या करते हैं। तो देखिए हमने रोटियों को क्यों डाला था दूध में, बिल्कुल ताकि रोटी एकदम से सॉफ्ट हो जाए और जब हम इसका पेस्ट बनाए ना तो बिल्कुल बारीकी पेस्ट बने। तो हमने डाल लिया इसको मिक्सर जार में तोड़ के। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 गिलास दूध। ये रेसिपी को हम दूध के साथ ही बना रहे हैं, हमने पानी देखिए थोड़ा सा भी ऐड नहीं किया है। अगर आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए हमने पेस्ट बना लिया है, आप भी देख सकते हैं कितना बारीकी पेस्ट बना है। अगर आप इसको दूध में नहीं डाले होते तो ये ऐसा पेस्ट नहीं बनता रोटी का, क्योंकि रोटी ड्राई होता है तो वो दाने दानेदार रह जाता, इसलिए हमने इसको पहले दूध में, गर्म दूध में डाल के 2 मिनट के लिए डुबो दिया था, ताकि देखिए बहुत ही सॉफ्ट बारीकी एकदम से पेस्ट बन के तैयार हुआ है। ये दूध है जो हमने गर्म किया था कढ़ाई में, तो ठंडा हो गया, हम इसको इसी में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी हमारी रेसिपी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख लीजिए, हमें इतना ही पतला रखना है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा ना ही ज़्यादा पतला रखना है। आप बैटर देख सकते हैं, बहुत ही स्मूथ बन के तैयार हुआ है।
तो इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालेंगे, आपकी इच्छा है डाल सकते हैं, नहीं तो मत डालिए। ड्राई फ्रूट डालें तो टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अब देखिए मिक्स कर दिया है, अब चलिए रखते हैं गैस पे कढ़ाई। तो हमने कढ़ाई रख दिया है गैस पे तेल डाल के गर्म होने के लिए। तो तेल देखिए गर्म हो गया है, अब हम एक कलछुल उठाएंगे और उसमें डाल देंगे। देखिए इसको फैलाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डालिए बहुत ही अच्छे से फैल के बन जाएगा। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही जल्दी बन के तैयार भी हो जाती है। कोई बोलेगा नहीं कि आपने इसको रोटियों से बनाया है, इतनी महंगी रेसिपी। तो इसको हम पलट लेंगे दोनों तरफ से, ऐसे ही सेक लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से हमारे मालपुए सेक जाएं। तो देखिए सेक गया है, कितने अच्छे से कलर देखिए आप, कितना अच्छा आया है। हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है इसको, मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है, नहीं तो जल जाएगा और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं, बहुत अच्छे से सेक गया है। और इसको हम डालेंगे चाशनी के अंदर, जो हमने चाशनी बना के रखा था ना, चाशनी हो गया ठंडा, तो हम इसमें गरम गरम ही मालपुए डाल देंगे, ताकि चाशनी अंदर तक अच्छे से जा सके और मालपुआ हमारा बिल्कुल रसीला बनेगा। तो इसको देखिए हमने डाल दिया है, अब हम इसी तरीके से दूसरा बैच भी डालेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है, खाने में तो बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए जरूर ट्राई करिए एक बार। तो अब हम चाशनी से उसको निकाल लेंगे, क्योंकि उसको डुबा कर नहीं रखना है, बस 1 मिनट के लिए रखिए और उसको निकाल लीजिए। तो हम चाशनी से हम निकाल लेंगे मालपुए को। तो हमने दोनों मालपुओं को निकाल लिया है, आप देख सकते हैं देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो इसको भी हम उलट पुलट के सेक लेंगे दोनों तरफ से अच्छे से। देखिए सेक गया है, इसको भी हम निकाल के सीधा चाशनी के अंदर डालेंगे, आपको कहीं नहीं रखना है, नहीं ठंडा करना है। तो देखिए हमारा मालपुआ बनके तैयार हो गया है, देखिए ये लग नहीं रहे कि आपने इसको रोटियों से बनाया है हमने इसको। तो आप भी जरूर ट्राई करिए, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालेंगे ऊपर। तो देखा ना मालपुआ बनाना कितना आसान है, और बिल्कुल रसीला बनके तैयार हुआ है, आपको तोड़ के दिखाती हूँ मैं। अंदर तक बिल्कुल से इसके अंदर चाशनी चला गया है बहुत ही आराम से। देखिए मालपुआ बनके तैयार हो गया है, देख लीजिए अंदर तक भी बिल्कुल चाशनी गया है, और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है, बिल्कुल मावा जैसे आ रहा है, क्योंकि हमने 1 चम्मच जो मिल्क पाउडर डाल दिया था ना, उससे इसका टेस्ट बहुत ही अलग हो गया है। तो मालपुआ बनके तैयार हो गया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा कैसी लगी आज की वीडियो। और ये मालपुआ कहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।